स्पेसिफिक फूड के लिए फोबिया या उसके लिए एक भय, उसके केस स्टडी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक युवक अंदाज 29-30 साल का मेरे पास में आया, कभी परेशान, बहुत सारी फाइल्स लेके आया और उसको प्रॉब्लम यह था कि खाना खाया कि उसको उलट हो जाती थी, खाने के बाद में उलट हो जाना, उल्टी हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, तो इसलिए खाना नहीं खाता था। मगर उसको कुछ चीज़ें चलती थी, जैसा सेव चूड़ा, समोसा, कचौरी, ये चीज़ें खाया तो कुछ हद तक वो डाइजेस्ट करता था और वो खा सकता था और बाकी उसको कुछ भी चलता नहीं। फिर थोड़ा बहुत दूध लिया तो ठीक है, नहीं तो दूध भी बहुत ज़्यादा आता नहीं था, और बाकी कोई भी चीज़ खाया उसको अनाज में तो उसको उल्टियाँ होती थी। अब उसका बोले कि मैं वो समोसा कचौरी और सेव चूड़ा खा के बोले ऐसा अच्छा लगता नहीं कि बहुत वही खाना खाना रोज करके मतलब इच्छा भी नहीं होती मगर भूख लग जाती है, फिर मैं खाता हूँ और खाना खाया कि उलट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो भी इसका करना क्या। जब उसको और पूछा तो मालूम पड़ा कि उसको काफ़ी सारी जलन होती है सीने में, एसिडिटी होती है, ऐसा भक 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 ऐसा जैसा बहुत एसिड ऐसा ऊपर आ रहा है ऐसा उसको लगता है ना, ऐसा गले में आ जाता है ऐसा लगता है उसको, बार 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 जलन हो जाती, फिर ढकार भी काफ़ी आती है, इरेक्टेशन है, फिर पेट में गैस, बिल्चिंग, ढकार देना, नीचे से गैस जाना वो भी होता है, और फिर उसका वजन भी कम हो रहा है क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं खाता हो, वजन कम हो रहा है, कम से कम 10 किलो वजन उसका ये 4-5 महीने में कम हो गया। अभी मुझे सवाल आया कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम मुझे मतलब इसको है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है क्या। देखा तो सब पूरे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, सब स्कोपीज किया, एंडोस्कोपी किया, एब्डोमिनल सोनोग्राफी किया, बाकी सब खून के रिपोर्ट किया, सब नॉर्मल है, और बोले बाकी खाना जाता नहीं है। टेंशन के बारे में पूछा तो बोले टेंशन तो रहता ही है अभी, ऐसा क्या है उसमें, और उसको 5-6 महीने से ये प्रॉब्लम हो रहा है, सब डॉक्टर्स हो गए और कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। सब लोग बोलते टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आप चिंता करते हो, ये गोली ले लो, नींद की गोली देते हैं या फिर एंटी एसिड देते हैं या पेंटेप्रासोल देते हैं, ओमेप्रासोल देते हैं, बोले घर पे चले जाओ। फिर उसको जब मेरा पता लगा तो मेरे पास में आया, मैंने उसको पूरी हिस्ट्री लिया, डिटेल में असेसमेंट किया, फिर वो मालूम पड़ा कि उसको काफ़ी टेंशन है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन डील कर रहा है, एक ब्रेकअप भी हुआ वो भी डील कर रहा है वो, और फिर इसमें घर में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उसमें फिर वो उसको ये प्रॉब्लम चालू हो गया। मतलब वो क्या हो गया कि उसको काफ़ी सारी बातें बोलनी है, अभी इसका साइको एनालिसिस देखो क्या है कि काफ़ी सारी बातें बोलनी है, अभी वो बोल नहीं पाता, देयर इज एन अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, जो बोलना है बोल नहीं पाता, तो फिर मतलब जो उलाट करनी है बोलने की लैंग्वेज की वो नहीं हो रही, अभी वो पेट की उलाट कर दे, तो बेस्ट ये है कि उसको सुनो, जो बोल रहा बोल नहीं पाता उसको बोलने के लिए उद्युक्त करो, एनकरेज करो ताकि वो बोलेगा, मन की बातें निकालेगा, एक बार मन की उलाट कर देगा कि पेट की उलाट नहीं होगी। उसको मतलब भाई 2-3 सेशन आपको आना पड़ेगा, 2-3 सेशन बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसको 2-3 सेशन में मैंने सिर्फ सुनने का काम किया, सिर्फ सुनना और जो भी बोल रहा है उसको रिक्रिएट करना, वही शब्दों में वही बातों में उसको रिक्रिएट करना। तो उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई ये मेरा, बोले आप ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने मुझे क्या हो रहा है ये समझ लिया और मुझे काफ़ी सारा हल्का लग रहा है। अभी 3 सेशन जब हुए तो बोले अभी मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैंने सब बातें आपको बता दिया है, मेरा खाना भी धीरे धीरे चालू हो गया। कहने का मतलब यह है कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो मैंने इसके पहले डाले कि पेट विकार का जो मानसिक कनेक्शन है, कि है पेट विकार, है उल्टियों का विकार, मगर उसका मानसिक कनेक्शन कैसा होता है आपको पता चल गया। तो इसमें यह प्रॉब्लम होता है कि लोग बोलते कि नहीं मैं तो मेंटल नहीं हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं है, इलाज करते नहीं है। एक्चुअली इलाज उनका साइकेट्रिस्ट के पास में है, जबकि बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ये रहा उल्टियों का प्रॉब्लम, मतलब वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, कि जो पेट का प्रॉब्लम है और इसका मानसिक कनेक्शन है। तो लोगों को शेयर करो, वीडियो आपने देखा, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होगा, आप शेयर करेंगे ना तो उनका भी प्रॉब्लम घर बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगा, वो भी वेंटिलेट करेंगे, वॉमिट करेंगे, वॉमिट आउट करेंगे, मेंटल
तो उनका इलाज हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।